शासन के निर्देश पर शहर एवं गांव में एकीकृत कोविड 19 कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से निगरानियां समितियां बनाई गई हैं, जिसके तहत डोर टू डोर कोविड से संबंधित मरीजों को जानकारी ली जा रही है। जीएनएन टीम ने कोविड सेंटर विकास खंड बलहा का जायजा लिया। वहां पर मौजूद कमांड सेंटर के इंचार्ज घनश्याम वर्मा से बात की गई। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज हम मौजूद हैं बल्हा ब्लॉक में, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पे एक कृत्रिम कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्टार्ट किया गया है, जहां पे ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में जो भी समस्याएं आ रही है उसका निस्तारण किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है बल्हा ब्लॉक में बात करने के लिए स्वास्थ्य पर्यवेक्षक घनश्याम जी, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो कमांड सेंटर स्टार्ट किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये गाँव में रहने वाले लोगों को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए एक हर ब्लॉक में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसमें तीन कर्मचारी और एक अधिकारी होता है, तो ये 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। कोविड कंट्रोल रूम हर ब्लॉक में बनाया गया है। ये 8-8 घंटे की तीन शिफ्ट होती है, इसमें कर्मचारी बैठते हैं और गाँव के प्रधान से जो गाँव में ग्राम निगरानी समिति बनी हुई है, प्रधान उसका अध्यक्ष होता है और सेक्रेटरी उपाध्यक्ष है, एनएम उसकी सचिव है, लेखपाल है और प्रधानाध्यापक है। इसकी एक समिति बनाई गई है कि गांव में कोरोना से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कंट्रोल रूम को बताओ। तो हम लोग प्रधानों से या समिति के अन्य सदस्यों से गांव की बीमारी के बारे में हालचाल लेते हैं दो तीन भर में कि आपके गाँव में कोई लक्षणयुक्त आदमी तो नहीं है या कोई बाहर से अभी 10-15 दिन में कोई आदमी बाहर से तो नहीं आया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसकी कोविड की जांच कराते हैं और अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो उसको हम दवा देते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसके घर में उसके परिवार के अन्य सदस्यों का भी जांच कराते हैं कि और कोई तो उसमें पॉजिटिव नहीं हो गया है। तो यहाँ पे कंट्रोल रूम में जो ग्राम की निगरानी समितियाँ बनी हुई हैं उनका हम उनको निर्देश देते हैं और उनका फीडबैक भी लेते रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि गाँव में ये कोविड की बीमारी फैलने न पावे। अगर एक भी व्यक्ति लक्षणयुक्त होता है तो उसको हम दवा दे करके ठीक कर दें और ये बीमारी आगे न बढ़े। अब तक आपको गांव में कितने कोरोना के केसेस आपके सामने आए? गांव में हमारे लगभग एक अंदाजे के हिसाब से कितने कोरोना केसेस आए और कितने लोग बाहर ही हैं जो गांव में आए हैं? बल्हा ब्लॉक में लगभग अब तक 200 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 4 केस आज मिले हैं, जिसमें एक शाहपुर कला का है और 3 गायघाट के। तो हमारे यहाँ जो जांच की टीम बनी हुई है वो वहाँ पहुँच गई है और उनके घर के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है कि उनके घर में ये बीमारी किसी और को तो नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमारी 2 टीमें जो है वो पॉजिटिव केस पाए जाने के जाती है और उनके परिवार का डॉक्टर से जाँच करती है।